तो चलिए फ्रेंड्स, आज बनाते हैं घर के चूल्हे पे मारवाड़ी स्टाइल टमाटर सेव की सब्ज़ी। टमाटर सेव की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक चॉपर ले लिया है। इसमें मैंने 1 टीस्पून अदरक डाली है, साथ ही मैंने इसमें एक बड़ा प्याज कट करके डाला है, 2 से 3 हरी मिर्च डाली है और 4 से 5 गुली लहसुन की डाली है। अब इसको चॉपर में अच्छे से चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो इसको मिक्सर में डाल के भी पेस्ट बना सकते हैं। अब हम इसमें 2 बड़े टमाटर कट करके वो भी अच्छे से चॉप कर लेंगे। एकदम फाइन चॉप करना है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल की ले ली है, साथ ही इसमें मैंने 1 टीस्पून जीरा डाला है, 1/2 टीस्पून हींग डाली है और 2 हरी मिर्च को स्लिट करके डाला है। अब मैंने जो प्याज को चॉप किया था वो डाल देंगे इसमें। अब इसको अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें चॉप किया हुआ टमाटर डाल देंगे। टमाटर और प्याज को अच्छे से भून लेंगे। जब टमाटर प्याज ऑयल छोड़ देगा तो हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाला है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाला है, 1/2 टीस्पून ही नमक डाला है। और अब हम इसमें 2 टेबलस्पून पानी डाल के मसाले को अच्छे से पका लेंगे। जब मसाला ऑयल छोड़ देगा तो इसमें हम 1/2 कप दही का डालेंगे अच्छे से फेंट के। साथ ही दही वाले प्याले में 1/2 कप पानी का डाल के वो भी ऐड करेंगे। और दही को हमें कंटिन्यू हिलाते रहना जब तक कि हमारे ग्रेवी में उबाल ना आ जाए। उबाल आने के बाद इसमें हम 1 बड़ा टमाटर बड़े बड़े पीसेस में कट करके डालेंगे। साथ ही इसमें हम 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। और ग्रेवी में उबाल आने के बाद हम इसमें 1 कप भुजिया का डालेंगे। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद हम इसमें हरा धनिया डालेंगे और गैस को ऑफ कर देंगे। रेडी है हमारे टमाटर सेव की सब्जी। इस रेसिपी को आप भी ट्राई करें और मुझे कमेंट करें कैसी बनी है। इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।